बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। सूरह जुहा की आयत वलसौफा युती का रब्बू का फतर्जा, आयत नंबर 5। हर वक्त बावजू आप खुला पढ़ें, 1, 2 या 5 सवा लाख मुकम्मल करें। इस वजीफे को पढ़ने से इंशाल्लाह रिज्क दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल होगा। घर से बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी हमेशा के लिए रुखसत होगी। कारोबार में तरक्की के लिए हर वक्त पढ़ें। रिस्क की बंदिश के लिए बेशुमार का आजमूदा इलाज है। एक मोहतरमा बताती हैं, मेरे शोहर ने शेखुल वज़ाइफ हजरत हकीम तारिक साहब को तफसीली खत लिखा कि हमारे घरेलू हालात दुरुस्त नहीं, हम कोई कारोबार करना चाहते हैं मगर हो नहीं पाता। खत के जवाब में हमें यही वजीफा पढ़ने को मिला। हम दोनों ने दिन रात एक करके पाक बावजू हालत में ये वजीफा लाखों की तादाद में पढ़ा। दिन ब दिन हमारे तमाम मामलात ठीक होना शुरू हो गए। हमने एक जगह से मकान शिफ्ट किया और वहाँ एक एकेडमी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहाना की बरकात, शेखुल वज़ाइफ की दुआओं और इस वजीफे की वजह से अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि हमारी एकेडमी चल पड़ी। हर माह माकूल आमदन हो जाती है और हमारे घरेलू हालात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो रहे हैं और हमारी आमदनी में बहुत इजाफा हो गया है। जिन्होंने दुआओं के लिए नाम दिए हैं और नहीं भी दिए, सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के मसाइल हल फरमा दे और हम पे अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे, हमारी ये मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे और अल्लाह पाक जो तंगदस्त हैं उनको रिज्क की फराखी अता फरमा दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा दे, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे, जो बेघर हैं उनको उनका ज़ाती घर अता फरमा दे, जो बेदर हैं उनको दर और आसरा अता फरमा दे और मज़बूत आसरा अता फरमा दे, और या अल्लाह पाक सब के माली हालात दुरुस्त फरमा दे और सब पे अपने करम की और रहमतों की बारिश फरमा दे और हम पर अपनी आजमाइशें ख़त्म फरमा दे और हमें या अल्लाह पाक इन इम्तहानों से निकाल के खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे दे। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में गम ख़त्म फरमा दे, दुख ख़त्म फरमा दे और खुशियाँ भर दे। या अल्लाह पाक सबको अच्छा लिबास अता फरमा, सबको अच्छा दस्तरखान अता फरमा, सब पे अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद देकर उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेरहमती का यार हमर राहिमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।